डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, ये आज जो अब नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 2019 वो आया है सामने, जिस पर वजीर आजम भी कह रहे हैं कि आज अब इसके बाद से जो बिजनेस बिरादरी है नैब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये इस आज आने वाले नए नैब ऑर्डिनेंस को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं, मईशत तो इन्होंने मईशत का तो सत्यानाश कर दिया है। इस वक्त जो मुल्क की मईशत का हाल था उसमें तो जाहिर बात है इनको कहीं से पैसा नहीं आ रहा था। जो इनके दावे थे कि 200 बिलियन यहाँ से आ रहे हैं तो ये वहाँ से आ रहे हैं, और रेमिटेंस इतने आएंगे, पाकिस्तानी पैसा लेके बैठे हैं तो ऐसे पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें तो आपने देखा हुई नहीं। जब ये नाकाम हो गए और कहीं से इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं कर सके तो इस तरह की फैसिलिटीज तो देंगे। वो पैसा जो कि इलीगल तरीके से आ रहा है उसका भी इनको हिसाब देना होगा। इन्होंने तो पहले तो कहा था कि सबका हमारी अगर इनके साथ किसी बात जो हमारा इनके साथ है लड़ाई वो इसी बात की कि एहतसाब हो तो सबका हो। आपका फॉरेन फंडिंग केस भी खुलना चाहिए, अब मालम जब्बा केस के हो या बीआरटी के लिए आपको रुकवाने के लिए नहीं जाना चाहिए कि अदालतों में उसको स्टे लेने के लिए आप पहुंच जाते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन रुकवाते हैं। अगर आपके यहाँ पर करप्ट लोग हैं तो फिर आप उसको रोकने के लिए आप उनकी फाइलों को दबा देते हैं, आप दूसरी पार्टी के करप्ट लोगों को फिर अपनी पार्टी में करके उनको क्लीन चिट दे देते हैं। हम भी तो इनसे कहते हैं कि एहतसाब हो, बिला इम्तियाज हो, सबका हो, और ये यकतरफा जो एहतसाब है एहतसाब के नाम पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अब आवाम को इनका असल चेहरा नजर आ चुका है।